तो यहाँ पे बना रही हूँ आज रात के बचे हुए चावलों का इंस्टेंट डोसा। तो इसमें ना कोई दाल भिगोना पड़ेगा ना चावल भिगोना पड़ेगा, और ये फटाफट बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पंजी डोसा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिया है और 1 कटोरी सूजी ली है मैंने, आधा कप दही लिया है और 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन से थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। और इसमें 1 मिर्च तोड़ के डाल दिए, थोड़ा सा अदरक डाला है, आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। अब इन सबको ग्राइंडर में डालकर एकदम बारीक पीस लूँगी। तो आपको लगता है कि बहुत थिक है तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन पानी कम रखिए। ये बैटर थोड़ा थिक होना चाहिए कि क्योंकि चावल पके हुए हैं और ये चिपक सकते हैं। तो हाँ जी, यहाँ मैंने चेक कर लिया है, एकदम बारीक पीस लिया है मैंने और ये बहुत ही अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। हाँ जी, तो स्पून से चेक कीजिए कि इसका बैटर कैसा, बिल्कुल डोसे जैसा है। इतना ही थिक बैटर चाहिए इसमें, क्योंकि अभी हम मिलाने वाले हैं इसमें बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं, मेरे पास बेकिंग सोडा है तो मैं वही डाल रही हूँ हाफ स्पून, और इसको मिक्स करके रख दूँगी। साथ ही बनाना चालू कर देंगे इसको, ज़्यादा रेस्ट मत कराइए। और अभी इसके साथ खाने वाली बहुत ही अच्छी चटनी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो चटनी बनाने के लिए लिया है मैंने 1 बड़ा टमाटर, छोटा है तो 2 ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, इसमें 2 ग्रीन चिल्ली मैंने डाली है, थोड़ा सा अदरक डाला है इसमें। और देखिए, साथ में ही मैं डाल लूँगी करी पत्ता। करी लीव्स बहुत ही अच्छे लगते हैं इस चटनी में। और यहाँ पे मैंने थोड़े भुने हुए सिंगदाना यानी कि पीनट डाला है मैंने, मूंगफली के दाने, और ये आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चना भी डाल सकते हैं आपके पास है तो। और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो। अभी इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैं पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ पहले, क्योंकि ज़्यादा पानी वाली चटनी ज़्यादा नहीं अच्छी बनती है, बारीक पीसती नहीं। तो हाँ जी, मेरी चटनी यहाँ पे देखिए रेडी हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे। किसी भी चीनी या कांच के बर्तन में चटनी रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। 3-4 दिन चटनी आप चला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अच्छा सा एक तड़का भी मार सकते हैं, राई जीरा और करी पत्ता का तड़का मार सकते हैं इसमें। तो मैंने तो इसमें तड़का नहीं मारा है और मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ साथ में। तो मैंने मिक्सी को थोड़ा सा पानी डाल के हिला लिया है और ये अपनी चटनी तैयार है। आप चाहें तो इसको पतला करके भी खा सकते हैं डोसे के साथ, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो हाँ जी, यहाँ पे अपना बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, इसको 5-10 मिनट रेस्ट दिया है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाला है मैंने, आप इनो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके और अपना बैटर तैयार है डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप डोसा पैन भी ले सकते हैं और नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे। और ये डोसे क्रिस्पी नहीं बनते, ये स्पंजी और बहुत ही नरम मुलायम वाले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तवा पे बनाया है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाले तवे पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस करके उसमें पानी के छींटे मार के उसको बैलेंस कर दिया है। अभी बना लेते हैं इसमें डोसा। बैटर डाल के आराम से इसको फैला दूँगी और थोड़ा सा पकने के बाद आजू बाजू इसके ऑयल या घी ग्रीस करें, और अपना डोसा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। हाँ जी, जब तक डोसा ऊपर से आपको दिखने लगे कि पक गया है, तब तक आप इसको पलटाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे हल्का सा चेक करती हूँ, डोसा अपना उठ रहा है, दूसरी तरफ से एकदम लाल हो गया है। अभी हम इसको पलटा के भी पका सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पके हुए चावलों का डोसा है और ये नरम मुलायम स्पंजी डोसा है, बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। एक बार ज़रूर बना के खाइए मेरे कहने से, और रात के चावल फेंकिए मत, ये बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। इन चावलों से मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना के दिखाने वाली हूँ। तो अभी अपना डोसा तैयार है, चटनी भी तैयार है, खा लेते हैं। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। और मेरे चैनल रियल लाइफ ऑफ शशि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें,
और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस और सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ़ से प्यार भरी बाय बाय।